राजा गोप गुपगम दास। इसको 5 बार बोलना है आपको। राजा गोप, पहले प्रैक्टिस करो। रुको जरा, कोई वर्ड ही नहीं होता। चीटिंग करता है तू। 4 5 6 7 8 9 10 यार, लड़कों के नंबर फोन में सेव। मैं तुम्हारा भी नहीं किया, झूठा सिखाने दे दिया था मुझे। क्योंकि सरेआम सौदेबाजी जज्बातों की करनी पड़ती है, सरेआम सौदेबाजी जज्बातों की करनी पड़ती है, और कागजों से ज्यादा कालिक चेहरे पर मलनी पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है, that was so deep। ऐसा तो आ ही जाएगा, पहले फेम लाओ ब्रो, पहले लेके आओ वही फेम। वाह, राइटर सुन रहे हो ना, अगले एपिसोड में ये वाला गेम खिलाना है। अच्छा, तो हेलो दोस्त, मैं हूं शुभम पांडे, आपका होस्ट, लेकर आ गया हूं खबरी की गपशप का पहला एपिसोड। आज हमारे साथ हैं एक पोएट, एक स्टोरी टेलर, और पूरे भारत देश में 100 से ज़्यादा एपिसोड्स कर चुकी निधि कौशिक, जिनका जादू पूरे इंस्टाग्राम पर छाया हुआ है, और उनका इंस्टाग्राम हैंडल है निधि टॉक्स। तो निधि जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच शुभम फॉर कॉलिंग मी, और मेरा सौभाग्य है, क्योंकि देखो बात करना बहुत आसान है लेकिन सुनने वाले चाहिए, तो आपके माध्यम से मुझे काफ़ी लोग सुन सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात तो मैं करती रहती हूँ। क्या बात कही है मैम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। तो निधि जी कैसी हैं आप, किसी बात का आराम तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया। और जैसी हूँ कि कविताएं लिखती हूँ और शब्दों से जादू करती हूँ, और आप पर ना चले ये मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, तो खाम खा आपका वक्त बर्बाद होगा। दिस इज समथिंग एल्स। खैर, आपने बताया मैम आप कविताएं लिखती हैं, तो मुझे लगता है कि शो की शुरुआत अगर आपकी 2 पंक्तियों से हो जाए तो हमारे शो पर 4 चांद लग जाए, तो कुछ हो जाए। जी बिल्कुल। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कैसे लिख लेते हो। अक्सर लिखने वालों के साथ ये दिक्कत है, लोग पूछते हैं लिख कैसे लेते हो। पहली बात तो ये कि लिखना ना तो आसान है ना मुश्किल है, लिखना एक भगवान की कृपा है, जिस पे हो गई हो गई। तो जब मुझसे लोग पूछते हैं कि कैसे लिख लेते हो, तो मैं कहती हूँ कि सरेआम सौदेबाजी जज्बातों की करनी पड़ती है, सरेआम सौदेबाजी जज्बातों की करनी पड़ती है, और कागजों से ज्यादा कालिक चेहरे पर मलनी पड़ती है। क्या बात है मैम, क्या बात है, दैट वाज सो डीप, काफ़ी अच्छा मैम। जितना मुझे समझ में आता है कि जैसे पोएट्स हैं या शायर हैं, वो लिखते हैं रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो उनके साथ होते रहते हैं, उसी में लिखते हैं, और हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे इस पैशन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ निधि जी, आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या था, और कब आया कि आपने इस तरफ रुख मोड़ लिया? हालांकि ये बात मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, पर बार बार याद भी दिला देना चाहिए खुद को कि क्यों शुरू किया था। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही पता नहीं था कि लिखना भी काम होता है या लिखना भी पैशन होता है। बस बहुत छोटी उम्र में पढ़ने का शौक था, कहानियाँ पढ़ती थी, बुधवार के न्यूज़पेपर में कहानियाँ आती थी छोटी छोटी, तो वो पढ़ती रहती थी, और उनको पढ़ पढ़ के कुछ अपनी कहानियाँ लिखती थी बहुत ही छोटी उम्र में। लेकिन बीच में पढ़ाई की वजह से और भी बहुत सारे, क्योंकि उन दिनों में लड़कियों का शायरी लिखना वॉज नॉट दैट कूल, है ना। तो एक वक्त आया कि जब पापा को पता चल गया तो उन्होंने डायरी वायरी जला दी, तो फिर बड़ा डर गए कि नहीं यार ये तो नहीं करना है, और ये तो कुछ गलत ही चीज़ होती है, तो उस वक्त पे फिर छोड़ दिया था। बट फिर जब शादी के बाद मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, तो वो बहुत ही डिप्रेसिंग मोमेंट था मेरे लिए, और उससे निकलने के लिए कुछ रास्ता इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि जब आप फैमिली में रहते हो ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन मैं अकेली रहती थी हस्बैंड के साथ, और हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते थे, अब दिन भर में क्या करूं, क्योंकि जो हुआ मिसकैरेज उसकी वजह से जॉब भी छूट गई थी। तो उस वक्त मैंने पढ़ना दोबारा शुरू किया, और इतना पढ़ा पढ़ते पढ़ते कि फिर वो ओवरफ्लो होने लगा, तो फिर लिखना दोबारा से शुरू किया, और तब भी मैंने प्रोफेशनली लिखना नहीं शुरू किया, तब भी मुझे लगता था कि ये मेरा शौक है और मैं इसको करती रहूंगी। 2012 से 2017 तक मैं सिर्फ डायरियां भर रही थी। फिर एक फ्रेंड ने मुझे बोला, उसका ब्रेकअप हुआ था, तो अब जब जो इंसान खुद का दर्द समझता है ना वो, और खुद से हील होता है, तो वो दूसरों का दर्द बहुत जल्दी समझ लेता है।
तो जब उसने मुझसे शेयर किया कि यार ऐसे ऐसे ब्रेकअप हो गया, तो मैंने उसको कुछ लाइनें भेजी, कहता है यार ये सबसे हील नहीं होने वाला, मैं ये तुम्हें गूगल पे भी सर्च कर सकता हूँ। मैंने कहा मेरी लिखी हुई है, ये तो तेरी लिखी हुई है, तो मैं तेरा इंस्टाग्राम पेज बनाता हूँ, उस पर डालना शुरू कर दे। उसने इंस्टाग्राम पेज बना के मुझे पासवर्ड दिया और मैंने पोस्ट करना शुरू कर दिया, और आज 2023 आप देख ही सकते हैं। मैम आपने एक बात बोली और बहुत कॉमन चीज़ समझ में आती है ये चीज़ कि कोई भी जब पोएट्री करने उतरता है या शायरियाँ लिखने उतरता है तो एक शायद ब्रेकअप ले लीजिए या एक सैड मोमेंट होता है, तो क्या ये सैड मोमेंट के बाद ही शायर बनते हैं या कोई हैप्पी मोमेंट के बाद भी बन सकता है? पर मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर सैड की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं तो वो पोएट बनते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपके 1,00,000 रुपये गुम हुए, आपने गलती से किसी को ट्रांजैक्शन कर दिया, आप ना ये बात बहुत इजीली नहीं बताएंगे किसी को भी, आप इसके पीछे कहानी बनेंगे। लेकिन आपने 1,000 रुपये जीते, आप सबसे पहले फ़ोन करेंगे किसी ना किसी को कि मैंने 1,000 रुपये जीते। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, तो उनको आप लिखना शुरू करते हैं, तो वो 99% टाइम्स मुझे लगता है सैड ही होती हैं। हाँ, कुछ हैप्पी भी होती हैं तो वो भी लोग लिख लेते हैं, सैड के साथ साथ हैप्पी भी लिख लेते हैं, बट हाँ शुरुआत मुझे लगता है कि इसी तरफ से होती है। तो कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स होती है, और मैंने एक लाइन लिखी थी कि जरूरी नहीं कि दिल टूटने से ही अल्फाज निकले, जरूरी नहीं कि दिल टूटने से ही अल्फाज निकले, शोर टूटे हुए सपनों का भी कुछ कम नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग ऐसी जगह से टूटते हैं कि कोई सपना था या कोई ऐसा मोमेंट था कि आप पहुँचने ही वाले थे और नीचे गिर गए, तो वहाँ से भी लिखा जा सकता है। सही हम आगे बढ़ते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे शोज़ किए, अलग अलग जगह जाके आप शोज़ करते हैं, शुरुआत में आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट भी रहे होंगे कभी, बट अब तो मुझे लगता है आप फायर पावर होंगे। आपकी लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट अगर अपन डिस्कस करें तो वो क्या है जो आप शायद कभी ड्यूरिंग द शोज़, हाँ ड्यूरिंग द शोज़ व्हाइल परफॉर्मिंग कभी आप भूल गए हो या कुछ कुछ भी? एम्बेरसिंग तो कुछ नहीं है सच में कहूँगी। होता क्या है कि आप शुरू में, जैसे आपने कहा कि पहली बार स्टेज पे जाते हैं तो काफ़ी नर्वस होते हैं। अच्छा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? जो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा आर्टिस्ट वही होता है कि अगर आप भूल भी गए तो सामने वाले को तो नहीं पता चलना चाहिए। बहुत बार हुआ है और हर शो में होता है कि आप भूलते ही भूलते हो, क्योंकि आप कितना याद रख सकते हो, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑन स्टेज ही इम्प्रोवाइज होती है कि आप लिख के कुछ ले गए थे और बोल कुछ रहे हो, तो ऐसा बहुत बार होता है। एम्बेरेसिंग नहीं कहेंगे उसको, तो वो स्मार्टनेस होती है हमारे कि हम सामने वाले को पता नहीं चलने देते, तो इसीलिए तो हम आर्टिस्ट कहलाते हैं। जी, नाटक अच्छा कर लेते हैं। एग्जैक्टली। मैम आपकी लाइफ का अगर अपन एक मेमोरेबल मोमेंट की बात करें, या तो कोई फैन मोमेंट रहा हो या कह लीजिए कि कोई वियर्डेस्ट कोई चीज हुई है जो भी आपको याद हो, मतलब इन अ पॉजिटिव मैनर, वो अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शक को तो। बिल्कुल, अभी मेरी एक रील बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बेटे भी विदा होते, तो उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो काफी सेलिब्रिटीज ने भी उसको शेयर किया था। बट सेलिब्रिटीज़ तो ऑलरेडी हम उनके फ़ैन हैं, लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले जिम से आ रही थी और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैंने स्कूटी साइड में लगाई और एक समोसे वाला है उसके वहाँ पे मैं खड़ी होगी, तो एक लड़का दौड़ते दौड़ते आया, कहते आप निधि टॉक्स मैम है ना, मैंने कहा हाँ। तो वो मेरी लाइफ का बहुत, मैं उसको अचीवमेंट मानती हूँ, क्योंकि एक इंसान भी अगर आपने अपने शब्दों से कमा लिया तो वो अचीवमेंट। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है अपन परफॉर्म भी इसी चीज़ के लिए करते हैं। अब कभी आपके परफॉर्मेंस के दौरान कभी कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो मतलब आपको हजम ही नहीं हो रहे या समथिंग लाइक दैट कि यार ये क्या आदमी है यार, ये कैसे मिल गया, ये मतलब ये इतना कैसे इसको पसंद आ रही है चीज़ें या समथिंग, मतलब एक ऐसा कोई शख्स जो आपको कभी टकराया हो कि बोले यार भाई तू क्या है यार? ऐसे लोग ड्यूरिंग द शो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ तालियां बजाते, तारीफें करते, उसके बाद जो वो डीएम करते हैं लाइन से, मतलब वो आपकी हर स्टोरी लाइक करेंगे। अच्छा अब ऑन स्टेज क्या हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि सामने वाले के लुक से समझ में आ रहा है कि वो तो दीवाना हो गया, वो ऐसे ही देख रहा है। एक बार एक मुंबई के शो में हुआ था, वो ऐसे ही देखे जा रहा था, तो मैंने एक शेर सुनाने से पहले कह दिया कि मैं मैरिड हूँ, देन उसके बाद आधा शो जो बचा था उसका बहुत ही खराब गया, मेरा बहुत अच्छा गया बट उसका बहुत खराब गया। तो ये बहुत बार मैं करती हूँ जानबूझ के, जब मुझे लगता है कि ये सुनने से ज्यादा मुझे बस निहारे जा रहे हैं। ऐसा आप अक्सर करती रहती हैं, मतलब शुरुआत भी आपने शो की ऐसे ही करी थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद BTS में आपने मुझे ऐसे देखते हुए देख लिया था कि आपने शुरुआत ऐसे करी। नहीं, नहीं।
तो मैम आगे बढ़ते हैं, कुछ फनी तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपके बारे में जानी। एक रैपिड फायर राउंड छोटा सा है, कुछ सवाल, कुछ दो ऑप्शंस दूंगा आपको, नॉर्मल से हैं, आप बताइएगा कि आप क्या करना पसंद करेंगी। मगर शायरी या पोएम के थ्रू बताना। हाँ, मतलब या आप मतलब अगर शायरी लेंगी या पोएम करेंगी, मतलब अगर ये दोनों ऑप्शन आपको दिया जाए कि आपको टू लाइनर शायरी मारनी है या आपको पंक्ति लिखनी है, तो कहानी सुनना या कहानी सुनाना? कहानी सुनाना, हमेशा कहानियाँ पढ़ना पसंद है, सुनना नहीं, पर सुनाना बहुत पसंद है। कॉमेडी या रोमांस? कॉमेडी। रोमांस की उम्र चली गई लेकिन ह्यूमर नहीं गया वो रहेगा। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम, बिकॉज उसने अपने इजीली कनेक्शन होता है लोगों के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा तालाब या छोटा तालाब? न्यू मार्केट या सिटी? न्यू मार्केट, बिकॉज सिटी में आज तक नहीं गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। माइक या स्टेज? स्टेज, बिना माइक के स्टेज चलेगा? हाँ, स्टेज चाहिए। ऑफलाइन ऑडियंस या ऑनलाइन ऑडियंस? ऑफलाइन ऑडियंस हमेशा, बिकॉज तालियों की जो गड़गड़ाहट होती ना, वो जो सुकून देते, वो कमेंट्स और लाइक्स नहीं देते यार। अरे क्या बात, ये बात तो। फेम या मनी? मैम फेम। पैसा तो आ ही जाएगा, बोले फेम लाओ ब्रो, पहले लेके आओ वही फेम। देखो आपके अकाउंट में चुपके से 5,000 रुपए आ जाए, आपको इतने अच्छे लगेंगे, लेकिन 5,000 लोग आपके सामने खड़े होकर आपकी तारीफ कर रहे हैं ना, क्या बात आप कही है। जीते जी अमर हो जाते। सही बात है मैम। नहीं, इस बात की मतलब इस चीज की फीलिंग लिटरली बहुत अलग है। हम जैसे अपन लोग का जो मेन काम है वो बोलना है जी। अपन कहीं भी परफॉर्म करने जा रहे हैं तो अपन बोल रहे हैं जी। तो एक शब्द है टंग ट्विस्टर। ओके, तो कभी आपने इसको ट्राई किया है कि यार इसे लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस होती है शायद बोलने की, फड़फड़ाहट ज़्यादा हो जाए, तो कभी ट्राई किया है आपने? अभी मैं टंग ट्विस्टर तो नहीं, अभी एक वो गेम होता है ना जिसमें आप क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन ही पूछते हो। एक गेम होता है जिसमें अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते। अच्छा। आपको सामने से कुछ ऐसा बोलना है कि जो क्वेश्चन ही हो और आप रिपीट भी नहीं कर सकते, तो वो मैंने जीता है अभी रिसेंटली। कंटेंट राइटर सुन रहे हो ना अगले एपिसोड में ये वाला गेम खिलाना है भाई। टंग ट्विस्टर मैंने खेला नहीं। कुछ टंग ट्विस्टर ट्राई करें मैम। बिल्कुल। तो मैम चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को कुछ नया ढूंढते यार। राजा गोप कंटेंट राइटर ने मुझे बोला था कि एक्टिंग करना। अच्छा। राजा गोप गुपगम दास पूरा है ये चंदू के चाचा ने? नहीं नहीं नहीं, ये नया आपने बोला ना नया। अच्छा अच्छा, नया क्या है? राजा गोप गुपगम दास, इसको 5 बार बोलना है आपको। राजा गोप, पहले प्रैक्टिस कर लूं। राजा गोप गुपगम दास, राजा गोप गुपगम, यही तो टंग ट्विस्टर है। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको कुमार विश्वास की कुछ पावर्स लेने का मौका मिले तो आप कौन सी पावर लेना चाहेंगे? जिस तरह से वो कविताएं बहुत ज्यादा नहीं सुनाते, अगर आप उनका 1 घंटे का भी शो देखेंगे ना, मुश्किल से 2 या 3 कविताएं सुनाएंगे, लेकिन वो जिस तरह से दर्शकों को बांधे रखते हैं कि वो एक कविता से दूसरी कविता के बीच में जो आधा घंटा है उसको वो कैसे फिल अप करते हैं, वो सबसे खूबसूरत चीज है उनसे सीखने के लिए। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कॉमन नेम का इंसान कौन है? अमित। बहुत सारे अमित मिले मुझे जीवन में। और आपकी लाइफ में शुभम्स कितने हैं? शुभम भी बहुत सारे। मेरे को मत जोड़िएगा। शुभम भी मतलब मुझे 4-5 तो मिले होंगे कम से कम। 6। हाँ 6। तो मैम फनी नाम क्या सेव करती हैं आप? जैसे कॉमन नेम्स हैं तो ऐसा क्या आपके फ़ोन में ऐसा कोई नाम ऐसा है कि आपने बड़ा अलग तरीके से सेव किया? आप अलग अलग शुभम में तो शुभम 1 2 3 4 5 6 7 फोन में नहीं सेव करती हूं लड़कों के नंबर। अच्छा। यार लड़कों के नंबर फोन में सेव, मैं तुम्हारा भी नहीं किया जो बताओ, सिखाने दे दिया था मुझे तो लाइव बिजली हो गई भाई। अच्छा नहीं तो मतलब किसी लड़के का तो सेव होगा ना। हाँ जैसे मेरे हस्बैंड है उनका हबी के नाम से सेव। और कुछ
देखो शब्दों से खेलना काम है तो आप मतलब इतना खेल जाइए सामने वाले को एकदम चुप। मैम अगर आप पोएट ना होते हाँ, तो क्या होते? टीचर। अच्छा मतलब आपने पढ़ाया है जब बचपन में मैं टीचर्स को देखती थी ना तो मुझे लगता है कितना बोरिंग जॉब है यार, किसी और के बच्चों को ठोक पीट के ठीक कर रहे हो तुम। उन्होंने तो भेज दिया अपना बिगाड़ के, है ना, अब तुम ठीक कर रहे हो। बहुत बोरिंग जॉब लगता था एचआर का और टीचर का हमेशा से। लेकिन जब मैं उसके बाद मैंने काफ़ी जगह जॉब किया, जॉनसन एंड जॉनसन में किया, एक टेक्सटाइल कंपनी में किया, उसके बाद मैं टीचिंग में आई। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने अकाउंट्स के लिए दिया था वहाँ पे इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका नॉलेज इतना अच्छा है, आपने एमबीए किया, आप टीचिंग क्यों नहीं करती। मैंने कहा सर कितना बोरिंग जॉब है। कहते आपको लगता है ऐसा, कहते जब आप नई जनरेशन के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट में रहते हो ना तो आप हमेशा यंग रहते हो, आप जवान फील करते हो। तो उसके बाद मैंने सच में एक्सपीरियंस किया कि आप हर रोज कुछ नया सीख रहे हो उन बच्चों के बीच में। हालांकि पहले मैंने एमबीए को ही पढ़ाना शुरू किया था, बट फिर मैंने छोटे बच्चों को भी पढ़ाया, अबेकस भी पढ़ाया मैंने 3 साल। तो उन बच्चों के साथ आप हर रोज नई टर्म, नया फैशन, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। तो मैं ये मानती हूँ कि टीचिंग प्रोफेशन में आप हमेशा यंग रहते हो। That's nice. मतलब ये टीचर्स के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो सकता है कि अपने आपको बिल्कुल एजेंट ना समझें। नहीं बिल्कुल नहीं। और आप टीचर्स को देखना रिटायरमेंट के बाद भी वो इस जील में रहते हैं कि कुछ नया सीख जाएं हम, क्योंकि वो उनकी हैबिट में आ जाता है फिर। नहीं ना मैम, जब आप पहली बार वायरल हुए थे तो कैसा फीलिंग आया था? वायरल पता है कैसे हुई थी? मैं पहली बार जाट आरक्षण सुना आपने, एक बार हुआ था हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था, उन्होंने आरक्षण के लिए आंदोलन किया था, उन्होंने पूरा हरियाणा जला दिया था। और मैं भोपाल से हरियाणा गई थी, यहाँ पे मैंने एक रील ऐसे बैठ के कि बेटों के ऊपर थी कि लड़के रोते नहीं, लड़के शर्माते नहीं, हाथ में फ़ोन पकड़ के, और मैंने पोस्ट कर दी और मैं हरियाणा चली गई। और वहाँ पहुँची तो इंटरनेट ऑफ, तब मेरे 5,000 फॉलोअर थे, मैं 5 दिन बाद वापस आई, मेरे का 12,000 फॉलोअर्स आपका। मैंने कहा कैसे, वो रील मैंने देखी उस पर 870K के अराउंड व्यूज थे। मैंने कहा यार तो बड़ा अच्छा लगा था, पर वो अननोइंगली था ना, वो सरप्राइज था। तो इसका मजा कुछ और था, अपन ने प्रोसेस नहीं देखा, एकदम से अपने को देखने को मिला, एकदम से 5 से सीधा 12,000 फॉलोअर्स। हां जैसे हम लोग भी ऐसे रील डालते हैं तो हर दिन ऐसा स्क्रॉल कर करके देखते हैं, वो करना नहीं पड़ा वहां पे, ये एक अच्छी चीज थी। अमित लास्ट एक आप हमारी खबरी की ऑडियंस को अगर कोई मैसेज देना चाहें, हमारे क्रिएटर फ्रेंड्स को मैसेज देना चाहें, आपके जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं उनको मैसेज देना चाहें जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहें किसी भी क्रिएटर फील्ड में, तो वो क्या होगा? मतलब जैसे बापा जी की बूटी होती है तो मैं चाहता हूँ कि निधि जी की बूटी क्या है जो लोगों को जाननी चाहिए कि यार ये फॉलो करो शायद कुछ मिले। इन वन वर्ड, पेशेंस। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो यंगर जनरेशन, जैसे इंटरनेट बहुत जल्दी उनको एक्सेस मिल गया, हमें तो इंटरनेट भी बहुत, जैसे मैंने आपको बताया 2012 से मैं डायरी में लिख रही थी, अगर उस वक्त मैं इतना ना पढ़ती, इतना ना लिखा होता तो आज मैं इतना परफॉर्म कर पाती? माना मैंने मेरी एक रील वायरल हो जाती, मुझे स्टेज भी मिल जाता, पर मैं बोलती क्या जाकर, है ना? तो आपको उतना काम करना चाहिए, उतना सीखना चाहिए कि जब आपको वो फेम मिल जाए तो आप उसको बरकरार कैसे रख पाए, है ना? होता यही है कि आप एक कंटेंट से वायरल तो हो गए, अब आपको आगे कुछ आ ही नहीं रहा है, वो डाउन डाउनफॉल आता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो क्विक जो हो गया ना कि 15 सेकंड की रील से आप वायरल हो गए, वायरल नहीं, काबिलियत भी तो होनी जरूरी है ना। काबिलियत के लिए पेशेंस चाहिए, आपको उतना पढ़ना, उतना लेना, किसी भी फील्ड में पेशेंस के साथ ही चलते रहिए। मैं एट लास्ट मैं चाहूँगा कि मैंने सिंस आपकी इतनी तारीफ करी है तो थोड़ी सी हमारी भी हो जाए तारीफ आपकी, कुछ शायर क्या कहना आपकी नहीं नहीं अब मैं शायर नहीं हूँ ना मैम, शायरी में हाँ तो मज़ा आएगा ना थोड़ा सा। ठीक है कि ना हम महफिलों में जाते हैं, ना हमें गजलें कहनी आती हैं, ना हम महफिलों में जाते हैं, ये शिखा के लिए है कि ना हम महफिलों में जाते हैं, ना हमें गजलें कहनी आती हैं, पर हम वहीं के हो जाते हैं जहाँ खुली बाहें हमें बुलाती हैं। क्या बात क्या बात क्या बात, कोशिश बहुत करी मैंने कि मेरी तारीफ हो जाए पर अगेन लॉस्ट इट मैम, बट खैर मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई थिंक आप भी एक जो आप मैसेज देना चाह रही होंगी ऑडियंस को या आपके थ्रू आप जो चाह रही हैं कि लोगों तक पहुंचे वो आप दे पाई होंगी, आप कुछ अगर और बताना चाहती हैं ऑडियंस को कि यार आपको ऐसा लग रहा है कुछ मिस हो गया है तो आप प्लीज बोल सकते हैं ना, कैमरा इज योर्स। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो अभी की जो जनरेशन है वो 15 सेकंड में एंटरटेन हो रही है, तो 15 सेकंड में बोर भी हो रही है, तो जो रिटेंशन टाइम है
वो बहुत कम हो गया है, और इसका इफेक्ट ना एजुकेशन से लेकर हर चीज़ पे पड़ रहा है, इवन जो रिलेशनशिप्स है ना उन पे भी पड़ रहा है कि अभी फिलहाल में दो पार्टनर 15 सेकंड से ज़्यादा बात नहीं कर पाते एक साथ बैठ के, वो तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कड़वा सत्य है और बहुत ही चुभने वाली बात है। तो दिन का 1 घंटा एटलीस्ट सिर्फ अपने लिए या सिर्फ अपनी फैमिली के लिए विदाउट फ़ोन निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी वास्ट हो जाए लेकिन जब आपको रोना होगा ना तो आपका कंधा ज़रूर चाहिए। सही बात है, बहुत डीप बात है मैम ये, लिटरली कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी इस समय शायद कोई और होता साथ में जिससे अपन ये बात शेयर कर पाते तो मज़ा आ जाता है हमने, बट सही कहा मैम आपने कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी हावी हो गई है कि हम लिटरली फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। पब्लिक मीटिंग में भी देखो, फैमिली में देखो, सब लोग डिनर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं लेकिन फ़ोन चला रहे हैं, तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी, टेक्नोलॉजी इतनी ओवर पार कर रही है। तो चलते हैं दोस्त, ये था गपशप का पहला एपिसोड जिसमें हमने नहीं किया इनको रोस्ट, बट इन्होंने कर दिया थोड़ा सा हमको रोस्ट कर दिया है इस वीडियो को हमने यूट्यूब पर पोस्ट, अब आप कर दीजिए इसको वायरल मोस्ट जीवन में इतनी क्योंकि शेयर करने में नहीं लगती कोई कॉस्ट, और पहुंचा दीजिए इसको 1 मिलियन ऑलमोस्ट। चलते हैं दोस्त, टाटा।